हेलो दोस्तों, मैं अवल उनका दोस्त मुश्ताक से। मैं आज एक दरवाजे का मोहर वाला डिजाइन लेके आया हूँ। चलिए उस वीडियो को देखते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों का दोस्त मुश्ताक शेख। ये जो आप लोग डिजाइन देख रहे हैं, इसके बारे में हम कुछ बातें करेंगे। ये डिजाइन जो है आपका डबल पल्ला वाला डिजाइन है। ये एक मयूर इधर है तो दूसरा तरफ और एक मयूर है। तो इस डिजाइन को हम बनाते हुए कितना टाइम लगा वो आप लोगों को बताएंगे। इस डिजाइन को बनाते हुए मेरा सुबह से दोपहर हो गया पूरा। मतलब पूरा डिजाइन बनाते हुए पूरा दरवाजे का हम लोग गए थे बनाने के लिए। तो दो ठो दरवाज़ा बनाए डिजाइन। तो ये डिजाइन करने के लिए अब उनको पहले इसका ड्राइंग बनाना होगा, उसके बाद रोटर मशीन चलाएंगे, उसके बाद रेकी मोटर रेकी मार देंगे, और उसके बाद आपको फाइनल रेकी मार के गोलाई उलाई करके फाइनल रेकी मारना है। तो हम किस तरह से कर रहे हैं अब लोग देख रहे हैं। ये पतला रेकी है। पतला रेकी मारने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगता है देखने में। कितना अच्छा लग रहा है देखने में। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इससे क्या होगा बहुत सारा हम लोगों को देखने से कुछ आइडिया मिलेगा कि हम किस तरह से काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोग देखिए इस वीडियो को पूरा पूरी, जैसे आप लोगों को नॉलेज मिले। इस वीडियो को देखने से थोड़ा बहुत तो आप लोगों को समझ में आएगा कि काम किस तरह से किया जाता है। देखिए हम गाढ़ा बाटल मार रहे हैं यहाँ पर। ये आधा फुल है। आधा फुल करके हम इसलिए आधा फुल किए हैं, कहे दो पल्ला है ना, दो पल्ला आधा आधा पूरा हो जाएगा पूरा दरवाजा का। तो वो फुल तो पूरा पूरी दिखेगा, इस तरफ होना चाहिए और उस तरफ भी होना चाहिए। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है डिजाइन, मयूर का डिजाइन है। देखिए अब गले में हम पतला रेकी मार रहे हैं, आँख रेकी से बना रहे हैं, पतला रेकी से आँख बनाए हैं। अब ये वाला एक बाटली मिलता है छोटा छोटा दागी बनाने के लिए, छोटा छोटा। देखिए गले में और गर्दन में मारने से मतलब थोड़ा खूबसूरत लगता है मोर। तो देख लीजिए अक्सर वीडियो में हम समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से काम करना है आप लोगों को। ये लकड़ी जो है सागवान लकड़ी का बना हुआ है दरवाजा तो, और इसका हम गहराई किए हैं दो सूता से थोड़ा ज़्यादा होगा। और जो गहराई है जी रोटर मशीन चलाएं, जो मिस्त्री है वो जानेंगे दो सूता किसको कहते हैं। तो अब लोग देखिए पूरा पूरी रोटर मशीन चलाए, बीट तो थोड़ा धार ख़त्म हो गया था, तो धार को उतना जल्दी देने में टाइम नहीं है।
और हम उन बिट को चेंज किए, चेंज करने के बाद फिर काम कर रहे हैं। देख लीजिए, फाइनली देखेंगे तो थोड़ा मेरे ख्याल से अच्छा ही दिखेगा। मोर जैसे डाली में लता में बैठा हुआ है और वो अपना एक पत्ता लता में लिए हुए ऐसा लग रहा है। पूरा वीडियो तो देखने से लग गया, हाँ तो ऐसे है, किस तरह से काम कर रहे हैं। देखिए अब बहुत ही अच्छा लग रहा है। वीडियो आप लोग देखिए, बहुत ही अच्छा लग रहा है। इवेंट हो पूरा पूरी देखिएगा। ये देखें, इसे कहते हैं नेज, यानी मोर का वही वाला खूबसूरती लगता है ज़्यादा जहाँ हम काम कर रहे हैं। देख लीजिए वाला थोड़ा खूबसूरत लगता है, उसको हम रेखी मार के कैसे करेंगे आप लोग देखिएगा। अल्लाह रेखी से, ठीक है ना, पतला रेखी से जब करेंगे काम तो देखिएगा कैसा लगता है आप लोगों को। देखिए तो दोस्तों फाइनली ये काम बन के तैयार है। अब जमीन साफ करना है, झाड़ दे रहे। देखिए आप देख किस तरह से दिख रहा है। अब मुझे जमीन साफ करना है, कोना कोना जो रह जाता है उसको साफ करना है। वो रोटर मशीन से ख़त्म नहीं होता है और उसी को कोना कोना में रह जाता है उसको साफ करना है। साफ करने से और भी सुंदर लग गया देखने में। देखिए अब हम जहाँ मतलब देखिए कोना कैसे साफ करना है, जहाँ दो सूता लग रहा है वहाँ दो सूता का इस्तेमाल कीजिए, जहाँ एक सूता लग रहा है वहाँ एक सूता का इस्तेमाल कीजिए, जहाँ चौड़ा एरिया है वहाँ चौड़ा बटीले का इस्तेमाल कीजिए, जहाँ कोना कोना ज़्यादा तक तो आपको दो सूता एक सूता इस तरह का बटली इस्तेमाल करना है। पौन इंची कभी कभी पौन इंची भी इस्तेमाल करना है, कहे रोटर चलाने के बाद वहाँ रह जाता है कुछ कुछ इलाका में, तो उसको मिटाना होता है। दो सूता अढ़ाई सूता बाटली आता है उसको कोना कोना साफ करने के लिए ठीक रहता है। यहाँ हम इस्तेमाल कर रहे हैं पौने इंची जमीन साफ करने के लिए। देखिए जहाँ जो बटली लगे वहाँ वो बटली मारने से ठीक है। रह जाता है ये कोना कोना साफ करना पड़ता है, साफ नहीं करेंगे सुंदर नहीं लगेगा। तो
जमीन फिनिशिंग नहीं होगा तो खूबसूरती पे बेकार लग जाएगा। पॉलिश जो करने आएंगे वो उतना फिर वो परेशान हो जाएंगे, तो इसको साफ कर देने से वो चीज नहीं होगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोग को बहुत सारा चीज़ें मेरे वीडियो में समझने आप लोगों को समझने में सुविधा हो रहा होगा। खत्म हो गया, देखिए पूरा पूरी ख़त्म। बताइए कैसा लग रहा है, फाइनली ख़त्म हो गया। मेरे ख्याल से अच्छा ही लग रहा है। ये देखिए एक पल्ला हो गया और एक पल्ला हम दिखा रहे हैं, ये तो एक पल्ला का किए हैं और एक पल्ला का देखने से थोड़ा समझ में आएगा कि दरवाज़ा कैसा है। ये देखिए दो पल्ला है, दो पल्ला हो गया है पूरा पूरा। नीचे में कलश था, ये था और ऊपर में मयूर। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि डिजाइन ठो किस तरह से बनाया जाता है। ठीक है, चले वीडियो यहाँ ही ख़त्म करते हैं।